ऐसा कुछ मत लिखना कि हीरो छोटा है, वो इसने ऐसे पहनी हुई है। नसीब में बैठोगे? एक मिनट रे। अरे चल क्या कर रहा है? ये नहीं बॉलीवुड ग्लैमर है।
तो इधर लाइट में तमाशा मिलता है। अच्छा प्लीज ऐसा कुछ मत लिखना कि हीरो छोटा है, वो इसने ऐसे पहनी हुई है। फैमिली पे ऐसी लग रही है, फैम हवा के कौन है पूरी। चलो कहाँ बैठ कर रहे हैं नसीब में बैठोगे? अरे चल क्या करता है पूरा पूरा लाउड टाइम करो पूरा हो गया चलो इसका सिर्फ कॉन्सेप्ट हम बताएं तो फिल्म मेन हमें बताती है कि हमें लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए। मतलब आजकल हम देख रहे हैं कि डिवोर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कोई भी शादी सक्सेस नहीं हो रही। पहले के टाइम में 80s के आसपास उस वक्त अरेंज मैरिज होती थी और वो सक्सेस होती थी, लेकिन फिर जो यूथ है वो लव मैरिज की तरफ बढ़ा कि नहीं यार हमें तो अपनी मर्जी से शादी करनी चाहिए, माँ बाप पता नहीं कैसी लड़की देखते हैं, तो वो लव मैरिज की तरफ कूदने लगे। तो 80s और 90s का जो दौर था उसके अंदर सभी लोग लव मैरिज की तरफ भाग रहे थे, लेकिन अभी हम लोगों ने, हमारी जो क्रिएटिव टीम है, हम सब लोगों ने एक सर्वे किया ऑल ओवर इंडिया कि शादी लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज। तो आज का जो युवा है वो फिर से अरेंज मैरिज की तरफ जा रहा है कि नहीं नहीं अरेंज मैरिज सक्सेसफुल है। तो ये एक जो कन्फ्यूज़न है लोगों का, तो हमने फिल्म, बस हमारी जो फिल्म है वो इसी पर बेस्ड है कि लव मैरिज सक्सेसफुल है या अरेंज मैरिज, हमें लव मैरिज करना चाहिए या अरेंज मैरिज करना चाहिए। हाँ इसका कंक्लूजन है, इसका हमने पूरा सर्वे किया था, लव मैरिज सक्सेसफुल है या अरेंज मैरिज सक्सेसफुल है ये हमने फिल्म के अंदर दिखाया है। यही एक सस्पेंस है और फिल्म कॉमेडी है, हंसते हंसाते हम लोगों ने ये सारी चीज़ें दिखाई हैं। और हमारी जो फिल्म है वो सोसाइटी में एक मैसेज दे रही है कि मतलब कौन सी शादी सक्सेसफुल है। अभी अभी आपने अंदर वेडिक्ट दिया था कि आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको लव मैरिज करनी है, अरेंज मैरिज करनी है, आपने पूरी फिल्म कर ली और आपको अभी तक ये समझ भी नहीं आया। हाँ आप बोल सकते हैं कि वैसे मुझे अब समझ आ गया है, मैंने फिल्म कर ली है कि मुझे कौन सी शादी करनी है, मुझे समझ आ गया है। और फिल्म रिलीजिंग के बाद सबसे पहला मेरा काम यही है कि मैं जाते ही भागते हुए शादी कर रहा हूँ। नहीं ये इसके लिए आप फिल्म देखिए, फिल्म हमारी रिलीज़ होगी उसके बाद ही मैं शादी करूँगा। तो फिल्म हमारी रिलीज़ होगी आपको पता चल जाएगा कि मैं लव मैरिज कर रहा हूँ या अरेंज मैरिज कर रहा हूँ। एक्चुअली जो कैरेक्टर है वो एक तो मेरा काफ़ी हद तक, मतलब मुझे अपने आप की ही जो मेरी थॉट्स थी वहाँ से भी मुझे कैच हुआ। और बाकी मैं थिएटर एक्टर हूँ एक्चुअली, मैंने 2 साल तक दिल्ली में थिएटर किया है, फिर एक्टिंग कोर्स भी किया है, फिर उसके बाद एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर भी किया है। मैंने इंडस्ट्री के अंदर हर तरीके से काम किया है और इस कैरेक्टर को तैयार करने में मुझे बहुत सारी हेल्प मिली, लोगों से मिला कि किस तरह के लोग हैं, आजकल का जो युवा है, जो यूथ है, उन लोगों से मिला,
मेरे जो आसपास हैं उन ज़्यादा मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं हुई, क्योंकि मैं अगर आपसे भी ये क्वेश्चन पूछूँ ना कि कौन सी शादी सक्सेसफुल है, तो आप बोलोगे नहीं यार लव मैरिज, फिर बोलोगे नहीं नहीं अरेंज मैरिज सक्सेसफुल हो रही है, आपने आपके पापा ने की थी अरेंज मैरिज वो सक्सेसफुल है, आप लव मैरिज की तरफ जा रहे हैं लेकिन आजकल वो भी टूट रही है, फिर से आप अरेंज मैरिज की तरफ जा रहे हो, तो कन्फ्यूजन है, उसके लिए हमारी फिल्म देखिए। ये तो रियलिटी है। आपने क्या देखा फिल्म बनाते बनते हुए, आपने काम करते हुए क्या रियलाइज किया कि शादी का लड्डू शादी के बाद ही अच्छा लगता है या लव या देखो ऐसा है, शादी का जो लड्डू है ना वो शादी के बाद भी, मतलब शादी एक ऐसा लड्डू है कि खाओगे तब भी आपको पछताना पड़ेगा और नहीं खाओगे तब भी आपको पछताना पड़ेगा, तो कुछ लोग कहते हैं चलो यार खा के ही पछता लेते हैं, तो कुछ कहते हैं नहीं यार पछताना ही नहीं है ना खा के ही पछताते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो सब कुछ एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, बाकी शादी करनी चाहिए। मैं मेरा जो मतलब सोसाइटी को जो पर्सनल मैसेज है कि वो शादी करनी चाहिए, शादी बहुत ज़रूरी है। थैंक्स।